आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन के बारे में, मतलब शराब का नशा। शराब पीना बहुत आमतौर पर बहुत कॉमन दिखाई देता है आजकल। तो 25-30% मेल्स, पुरुष वर्ग में नॉर्मली कभी ना कभी लोग शराब लेते रहते हैं, बियर लेते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। जब शराब की ब्लड में लेवल जो है वो 0.01% से लेके 0.1% तक है, तो उसमें यूफोरिया लगना, बहुत अच्छा लगना, एक फीलिंग ऑफ वेलबींग लगना, ज़्यादा बातें करना वगैरह ऐसा दिखाई देता है। और वो अच्छा भी है, इसलिए लोग लेते रहते हैं कि कम मात्रा में शराब लिया तो। मगर वो मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाती है और वो लेवल जब वो 0.1 के ऊपर चले जाती है तो फिर वो नशा के लक्षण आदमी भी दिखाई देते हैं। मतलब शराब बहुत ज़्यादा मात्रा में फिर ब्लड में आना शुरू हो जाता है। यूजुअली शराब का जो मेटाबॉलिज्म है, पृथक्करण, वो है 7 to 10 ग्राम, 7 से 10 ग्राम एक घंटे में होता है। अब इससे ज़्यादा यदि इंजेक्शन चालू है, ज़्यादा पीना चालू है और वो पृथक्करण नहीं हो रहा है, मेटाबोलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो फिर शराब की मात्रा खून में बढ़ना चालू हो जाता है और फिर उसके शराब के नशा के लक्षण दिखाई देते हैं। तो कम मात्रा में तो अच्छा लगता है, यूफोरिया है, मन को अच्छा लगना, खुशी लगना, ऐसा दिखाई देता है। मगर फिर ज़्यादा मात्रा हो गई तो उसके बाद में फिर अशोभनीय वर्तन करना, सेक्सुअल ऐसा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि कोई किसके तरफ सेक्सुअली अप्रोच करेंगे, किसको हाथ लगा देंगे, कोई लेडी को हाथ लगा देंगे, या कभी हिंसक बन जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे बर्ताव करेंगे कि जो लोगों को अच्छा नहीं दिखेगा, या कभी भावनाओं का अतिरेक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, चीखना, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, रोना धोना, उसमें फिर निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं होती है, बातचीत में लड़खड़ाता है व्यक्ति, हाथ पैर की जो हलचल है उसमें असंतुलन हो जाता है, लड़खड़ाते हुए चलेगा, बात लड़खड़ाते हुए करेगा, चाल टेढ़ी चलेगा, उसका लक्ष्य केंद्रित नहीं होगा कोई भी काम के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, भूल जाता है, भुलक्कड़पना हो जाता है, मेमोरी लॉस। और बहुत ज़्यादा यदि अल्कोहल कंजम्पशन हो गया तो उसके बाद में जो स्टेज है वो है बेहोशी की, आदमी बेहोश हो जाता है। तो यूजुअली 0.3-0.4% के ऊपर यदि वो ब्लड अल्कोहल लेवल चली गई तो आदमी बेहोश हो जाता है। अभी ये जो है वो लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने शराब कुछ लिमिट तक लिया तो अच्छा है, और कुछ लिमिट तक लेने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, हफ्ते में एक बार लेंगे या रोज़ एक पेग लेंगे, मगर वो कब ज़्यादा होंगे आपको मालूम नहीं है। और जब ज़्यादा मात्रा में वो कंजम्पशन करेंगे और एकाध बार फिर दोस्त में बैठे हैं और फिर बातचीत चालू है और फिर कुछ तो भी स्नैक्स वगैरह चालू है और फिर गपशप चालू है, फिर गॉसिपिंग चालू है, उसमें फिर पीना चालू रहता है और बाद में फिर वो इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, अल्कोहल का नशा चढ़ जाता है। यूजुअली अल्कोहल का नशा उतरने के लिए अल्कोहल बंद करना जरूरी है, और यदि वो ज़्यादा ही होता है, बेहोश है, तो फिर उसका इलाज उस तरह का करना जरूरी होगा। देखना पड़ेगा कि उसको और कोई बीमारी है क्या, और उसका भी इलाज करना पड़ेगा। यूजुअली उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके उसका इलाज करके शराब निकालने की हम कोशिश करते हैं। यूजुअली 24 आवर्स में जब शराब उतर जाती है पूरी ब्लड में से तो आदमी नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह का इलाज इंटॉक्सिकेशन का है, ये अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप कब इंटॉक्सिकेशन में चले जाएंगे, कब अपने आप को हार्म करेंगे ये आपको पता नहीं है, तो इसके बारे में सतर्क रहना जरूरी है। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।